माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है, इसीलिए हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है। साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इस साल कब शुरू हो रहा है नवरात्रि का त्यौहार और घट स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए लोकल 18 ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को है, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में 3:12 से होगी और समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की रात 2:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को है। ऐसे में इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन होने जा रही है। कलश स्थापना भी इसी दिन होगा। इस वर्ष 2024 का जो शारदीय नवरात्र है वह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी, जो कि इस वर्ष 3 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रहा है। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा। उस दिन कलश स्थापन, ध्वजारोपण और प्रथम शैल पुत्री की पूजा प्रारंभ हो जाए। कलश स्थापना का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। अगर किसी वजह से आप ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापित नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। इसके बारे में ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा सुनिए। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापन करें, ये अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें कलश स्थापन अति शुभप्रद माना जाता है, और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापन नहीं किए हैं तो अभिजित मुहूर्त, जब अभिजित मुहूर्त आ जाए उस समय कलश स्थापन करें। तो इस वर्ष अभिजित मुहूर्त जो है वह 11:30 दिन में आ रहा है। 12:30 तक आप कलश स्थापन का कार्य कर सकते हैं और उसी दिन से नवरात्रा का जो दुर्गा पाठ होता है, शैल पुत्री की पूजा के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आप प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के हर रूप की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन किन किन देवियों की पूजा की जाती है आइए आपको बताते हैं। माता का आगमन गुरुवार के दिन होने जा रहा है, यानी माता डोली पर सवार होकर धरती पर वास करने वाली है। डोली पर सवारी शुभ नहीं मानी जाती, इससे लोग मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत की रिपोर्ट।